गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 के विज्ञान में पार्ट 2 परिवेशी जीव जंतु के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम इसके बारे में कुछ चीज़ें बता चुके हैं आप लोगों को, और आज हम बात करेंगे पालतू पशु पक्षी के बारे में। पालतू पशु पक्षी क्या होते हैं आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसको कहते हैं पालतू पशु पक्षी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, आवास की व्यवस्था करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार की सदस्यों की तरह ही कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पालतू पशु पक्षी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद पालतू पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे उनके साथ हमें रहना चाहिए। बेटा, जैसे हम लोग अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने पालतू पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो पालतू पशु पक्षी पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, वे हमारे ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे साथ हमारे घर में रह रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक जगह बंदिश में रहते हैं, वो अपने हिसाब से खा नहीं सकते, अपने हिसाब से रह नहीं सकते हैं। तो जब वो हमारे ऊपर डिपेंड हैं तो हमें जो है उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। जैसे आपके घर में आप लोगों ने देखा होगा, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, ऐसे तमाम ऐसे जानवर हैं जो हम लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में पाले गए हैं। तो इन लोगों को, इन्हीं जानवरों को जो है हम पालतू पशु पक्षी कहते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों की देखभाल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो अपने जिस भी आवास में रह रहे हैं वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनकी उचित देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था उनके सुविधा अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि सारे पशु पक्षी एक जैसे आवास में नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें कैसा चाहिए, कैसा आवास उनके अनुकूल रहेगा, उसके हिसाब से हमें उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद है भोजन की व्यवस्था। सारे पशु पक्षियों का भोजन अलग अलग होता है, कुछ जो है पूर्णतया अनाज पे डिपेंड रहते हैं, कुछ जो है वो घास फूस पे डिपेंड रहते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे हैं जो भी जो उनके खाने की हो, जो उन्हें वो खा के जीवित रह सके, उस खाने की, उस भोजन की व्यवस्था हमें उनके लिए करनी चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था, पशु पक्षियों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई हो। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो जब साफ सफाई रहती है तो ही हमें अच्छा लगता है रहने में, अगर गंदगी रहती है तो उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और हमें रहने में भी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जानवरों को, अपने जो पालतू पशु पक्षी हैं उनको जहाँ भी हम रखें वहाँ पे उनकी साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी एक बात और है कि टीकाकरण पशु पक्षियों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही पशु पक्षियों में भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो उनके लिए भी कई सारे टीके बने हुए हैं डॉक्टरों के द्वारा जो लगाए जाते हैं उनको। तो पशु चिकित्सक से सलाह लेते हुए जो टीका उनके लिए उचित हो, समय समय पर उस नियमित टीकाकरण का भी हमें पालन करना चाहिए और समय समय पर उन्हें टीके लगवाते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 के विज्ञान में पार्ट 2 परिवेशी जीव जंतु के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम इसके बारे में कुछ चीज़ें बता चुके हैं आप लोगों को, और आज हम बात करेंगे पालतू पशु पक्षी के बारे में। पालतू पशु पक्षी क्या होते हैं आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसको कहते हैं पालतू पशु पक्षी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, आवास की व्यवस्था करते हैं, तो
ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार की सदस्यों की तरह ही कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पालतू पशु पक्षी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद पालतू पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे उनके साथ हमें रहना चाहिए। बेटा जैसे हम लोग अपने साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था, पशु पक्षियों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई हो। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो जब साफ सफाई रहती है तो ही हमें अच्छा लगता है रहने में, अगर गंदगी रहती है तो उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और हमें रहने में भी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जानवरों को, अपने जो पालतू पशु पक्षी हैं उनको जहाँ भी हम रखें वहाँ पे उनकी साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें सबसे जरूरी एक बात और है कि टीकाकरण पशु पक्षियों का बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं वैसे ही पशु पक्षियों में भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो उनके लिए भी कई सारे टीके बने हुए हैं डॉक्टरों के द्वारा जो लगाए जाते हैं उनको। तो पशु चिकित्सक से सलाह लेते हुए जो टीका उनके लिए उचित हो समय समय पर उस नियमित टीकाकरण का भी हमें पालन करना चाहिए और समय समय पर उन्हें टीके लगवाते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।